so excited. Oh my god, this is my first time. Per ticket is 28,000 per person. तो देखो हम लोग के पास दो दो बैंड, एक वीआईपी बॉक्स है, एक क्लब हाउस. ड्रीम सा था यहाँ पे आने का. अभी मेन्यू है यहाँ पे, अगर आपको चाहिए होगा तो आप पॉज करके देख. तो गाइस जिस रीजन के लिए हम लोग आए थे वो था मैच बिटवीन केकेआर एंड आरसीबी जो कि इडन गार्डन में आज होने वाला है. एंड आई एम वेरी एक्साइटेड एंड दिस आर आवर टिकट्स फ्रॉम बीसीसीआई एंड आई हैव गॉट माय नेम रिटन ओवर हियर. सो द टिकट इज फ्रॉम माय क्लोज फ्रेंड स्टुअर्ट विनी एंड आई वांट टू थैंक हिम फॉर द टिकट्स एंड लेट्स सी द टिकट्स. Oh wow, guys! First time. Anna का first time है match देखने वाला है और मेरा भी शायद 4-5 बार. And this is my first time in clubhouse. We have got clubhouse tickets. Yeah, I'm so excited. And you know what? This is night pavilion, VIP hospitality. इसके साथ हम लोग को खाना वगैरह बहुत कुछ मिलने वाला है. And बाकी हम लोग Eden Gardens में जाते हैं और आपको दिखाते हैं क्या-क्या excitement होने वाला है. आज का ब्लॉग जो होने वाला है बहुत ही एक्साइटेड होने वाला है, जिसके लिए पूरा ट्रिप प्लान किया था. सो लेट्स सी क्या होता है. आर यू एक्साइटेड है ना? ऑब्वियसली बाबा. एंड गाइस हम ये बोल दें, ये क्लब हाउस का जो टिकट्स है देयर, हम ऑनलाइन चेक कर रहे थे, पर टिकट ये जो हॉस्पिटलिटी वीआईपी हॉस्पिटलिटी है पर टिकट इज 28,000 पर पर्सन. तो दोनों मिला के नियर अबाउट 56,000 पड़ता अगर हम लोग परचेस करते. बट थैंक्स टू माई फ्रेंड जिन्होंने ये टिकट मेरे को कॉम्प्लीमेंट्री दिया है. थैंक यू. थैंक यू स्वीटली. निकल चुके हैं हम लोग, गाड़ी में है, जा रहे हैं. एंड आपको जो दिखाने वाला था, केकेआर ऑलरेडी टॉस हार चुका है, आरसीबी बॉल चूज किया है. दैट मीन्स अभी जाके केकेआर का बैटिंग मिलेगा एंड वी आर ऑलरेडी लेट, तो शायद एक दो ओवर बाद हम लोग पहुँचेंगे. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. All the best, KKR. Hi everyone, welcome back to my channel. This is Sarah Tamang. I hope आप सब लोग ठीक होंगे. So आज का vlog होने वाला है और इसमें आपको बता दिया होगा आज का vlog क्या होने वाला है. And I am so excited. So हम लोग अभी निकल चुके हैं. I'm very excited. देखते क्या होता है. KKR. तुम किसको support कर रहे हो? मैं जो जीतेगा उसे. तुम विराट कोहली को सपोर्ट करोगे या मैं उस टीम से? दूसरा जो बेंगलोर वाला टीम से है विराट कोहली. एक काम करते हैं ना, तुम बेंगलोर को सपोर्ट करो, हम केकेआर को सपोर्ट. नहीं नहीं, मैं जो जीतेगा उसको सपोर्ट करूंगी. ऐसा थोड़ी ना होता है. ऐसा ही होता है ना, मैं फेयर खेलती हूँ एंड मैं वहाँ पे जाके केकेआर का जर्सी लेना चाहती हूँ. हाँ, वो तो मिल जाएगा. अभी 45 डिग्री टेम्परेचर है गाइस, बहुत गर्मी. कलकत्ता इज बर्निंग. ठीक है, तभी मिलते हैं. हाय एवरीवन, सो आज हम रेडी होने वाले हैं फॉर फोटोशूट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आई एम गोइंग टू प्रेप माय स्किन बिफोर अप्लाइंग माय मेकअप. डार्क स्पॉट्स आर वेरी कॉमन प्रॉब्लम एंड दे आर वेरी स्टबन. दे आर कॉज्ड बाय एक्ने स्कार्स, एक्सेसिव सन एक्सपोजर और हार्मोनल चेंज. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रीट दिस डार्क स्पॉट्स विद इफेक्टिव प्रोडक्ट्स टू रिवील नेचुरल ग्लो एंड इवन टोन स्किन. आई हैव फाउंड द परफेक्ट सोल्यूशन फॉर माई सेल्फ, द हिमालया डार्क स्पॉट्स क्लियरिंग टर्मरिक फेस सीरम. दिस सीरम इज मेड विद सोरासा कोल्ड प्रेस एट्रैक्शन दैट रिटेन्स टर्मरिक activities to its full potential. It has glycolic acid and niacinamide and also turmeric extracts. Apply 2-3 drops of serum on face and neck twice a day. Massage in upward circular motion gently till the serum get absorbed and follow up with the sunscreen. It visibly reduces dark spots in 7 days, reduce dullness and boost skin radiant with 100x turmeric extract. I have been using this serum for some time now and my skin feels amazing and I can see visible changes in my skin and my dark spots have reduced in 7 days. I urge you guys to go for the 7 days challenge and use this product for 1 week and see the result yourself. This product is available on Amazon, Nykaa, Flipkart and Himalaya's website. With 30% discount, go and check out the product today. So हम लोग पहुंच चुके हैं स्टेडियम के बाहर एंड यहाँ पे इतना भीड़ है, गर्मी भी ऐसा हो रहा है. उल्टा मैंने पूरा ब्लैक ड्रेस पहन के आई हुई है, पागल हो रहा है यहाँ पे. ऊपर से गर्मी, साउंड सुनाई दे रहा होगा. कोली कोली कोली. आई एम सो एक्साइटेड. ओह माय गॉड, दिस इज माय फर्स्ट टाइम मैं इतना बड़े स्टेडियम में आके मैच देख रही हूँ. हल्ला सुनाई दे रहा है अभी, मजा वाला. मेरा अंदर का वो बच्चा एकदम खिलखिला रहा है ज़्यादा खुश होके. भाई गर्मी एकदम बॉइलिंग करने वाला है, पर अभी क्लब हाउस
सो अभी हम लोग आ चुके हैं स्टेडियम के अंदर एंड आई डोंट नो यहाँ से कहाँ जाना है, पूछ लो ना, पूछ लो एक बार. सो यहाँ से ऊपर जाना है अभी हम लोग को. अंदर तो पूरा ही एसी चल रहा है भाई, हो रहा है. हम लोग का स्विच ये है. ओह माय गॉड, फर्स्ट हम घुसे थे ये जगह में एंड मुझे ये जगह एकदम ही घर में बैठ के टीवी देखने जैसा लगा एंड इसीलिए मैंने ऑडिटर को बोला कि अपग्रेड कर लो. यहाँ पे तो ऑब्वियसली कुछ दिख नहीं रहा था, मैं जहाँ पे बैठी थी वहाँ से तो सिर्फ आधा स्टेडियम दिख रहा था. तो वहाँ पे तो आप लोगों ने देखा उतना जगह अच्छा नहीं था, मतलब खुला नहीं दिख रहा था. तो ऑडिटर ने एक भैया को रिक्वेस्ट किया कि कुछ अपग्रेड हो सकता है क्या, मतलब कुछ खुला जगह में बैठना है. तो वही हम लोग जा रहे हैं. हम लोग अभी अपग्रेड होके आ चुके हैं. Which place? I don't know. It's a VIP box. तो देखो हम लोग के पास दो बेड, एक VIP box का, एक क्लब हाउस प्रीमियम का. और इधर से मैच कुछ ऐसे दिखते हैं. चलो बाहर चलते हैं ना, कम कैसा लग रहा है? जैसे कुछ ऐसा दिखता है स्टेडियम, इट्स पैक्ड अप. पसीना पसीना हो गया पूरा गाइस, बट एकदम ये पसीना एकदम वॉटर थे. बट गाइस हम लोग पहले उधर बैठे थे, हां वहां पे बैठे थे, उधर से शिफ्ट होके इधर आ गए. सो हैप्पी. सो अभी सनसेट हो गया है, आराम से धूप आ रहा है उस साइड में एंड बाहर तो ऑब्वियसली बहुत गर्मी है. ए सी लगा हुआ है, भाई VIP जो बॉक्स है वो ऐसा टाइप का दिखता है एंड इधर एक पर्सनल रिक्रूटर है. दिखता है ये हम लोगों का है एंड ये साइड में सेम टू सेम ऐसा ही है उधर है, जो हम अभी पहले थे ना, लाइक उससे भी पहले तो इनको यहाँ पे जो कि कुछ दिखता ही नहीं है, बाहर से एकदम अंदर से पूरा बंद था वो वाला एंड इससे बाहर एकदम पूरा अच्छे से दिखता है. मैंने ऐसा कुछ देखा है एंड मेरा आँख एकदम चमकीला चमकीला हो चुका है. और इधरों का हालत ख़राब है, फिर भी उसको बाहर ही बैठना है क्योंकि बाहर ऑब्वियसली बहुत गर्मी है और अंदर तो हमारा एसी लगा हुआ है. गाइस बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर, तो ऑब्वियसली उतना ज़्यादा खड़े नहीं हो सकते हैं. ऑब्वियसली आपको पता ही है कोलकाता में कितनी ज़्यादा गर्मी है, इसीलिए अंदर आके बैठी हुई हूँ एंड यहाँ पर तो एसी चल रहा है. लिटरली नहा गया है एकदम, उसका पसीना मैं आपको दिखाती हूँ. पसीना ही पसीना हो गया पर इसको मज़ा आ रहा है भाई, मुझे भी मज़ा ही आ रहा है भाई. ये फीलिंग्स मैं पहले से बचपन में मुझे बहुत होता ना, बहुत ज़्यादा सपना था कि मैं स्टेडियम में, बड़े स्टेडियम में लाइक अच्छा मैच देखूँ. हालांकि मुझे मैच समझ में नहीं आता है, मुझे फुटबॉल अच्छा लगता है क्रिकेट से ज़्यादा, बट
थोड़ा सा समझ में आता है। इतना हाइट है इसका, आज मैंने शूज पहना हुआ है, मेरा हाइट ही नहीं है इसके सामने, मैं नीचे, और इसने आज बूट पहन के आया इतना हाइटेड वाला, एंड इसके नीचे तो मैं बच्ची लग रही इसका आज। तुम्हारा हाइट मुझे कुछ दे दो, दे दो। लोग जो सी पूरा था उससे ये बेटर है ना? फार बेटर है ब्रो। वेरी एंजॉयिंग द मैच। यस। थैंक यू वीसे फॉर द अपग्रेडेशन। थैंक यू सो मच। गाइस हम लोग का खाना भी आ चुका है, चिकन, एंड ये टिकट के साथ कॉम्प्लीमेंट्री है आई गेस। डिनर भी होगा ना? ये चिकन दे दिया है ना, चिकन खाते खाते सब सब खाते खाते देख रहे हैं। अभी एक सिक्स लगा है। आरसीबी को चाहिए अभी 223 रन्स इन 20 ओवर्स। ये हम लोग का खाने का जगह है, इधर बुफे में सब लगा हुआ है। पाव भाजी, ठीक है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ पापड़ी चाट। पाव भाजी है और जो पाव ले रहा है, बड़ा ले रहा है, शोरमा हो रहा है और चिकन शोरमा उधर है, चिकन शोरमा यहाँ पे है। छोड़ के खाना स्टार्ट भी कर चुका है, मैं यहाँ पे लाइन में हूँ अपना पास्ता लेने के लिए। अरे मेरा पास्ता लेके आ चुका है, जल्दी खाना पड़ेगा, मैच स्टार्ट हो गया। पास्ता बहुत अच्छा था यहाँ का। अभी मेन्यू है यहाँ पे है, अगर आपको चाहिए होगा तो आप पॉज करके देख सकते। एंड ये अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है टिकट के साथ। KKR का सब हिस्टोरिक मोमेंट्स। यहाँ पे आइसक्रीम भी था, मैंने कौन वाला ले लिया है, कौन वाला। रात हो चुकी है, बस स्टेडियम के बीच में ही लाइट है और पूरा रात हो ही चुका है, एकदम ही टोटली 100% वाला ही रात हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है। फिर भी गर्मी तो होगी ना, ऑब्वियसली थोड़ा कम है बट। कैसा अच्छा लगा? खाना भी अच्छा था, ठीक ही ना, सब कुछ अच्छा, खाना भी अच्छा है ना, सब कुछ अच्छा। फिर आना चाहोगे? ऑब्वियसली मुझे हार्दिक पांड्या को देखना, मुंबई इंडियंस के साथ मैच होगा। हार्दिक पांड्या। सो गाइस मैच चल रहा है अभी, बहुत टफ सिचुएशन है, और देखिए सो गया है, फ्लैग हाथ में लेके सो गया। कैसे उठा? मेरा वॉइस से? मैं नहीं सोई हूँ, मैं सो रही हूँ। अभी हालत एकदम ही नाजुक हो चुका है, अपना खाता नहीं खोला है बल्लेबाज ने। तो अभी चल रहा है मैच एंड मैं उठ भी गई हूँ, थोड़ा देर सोई भी थी एंड अभी ठीक ही है, हालत एकदम ख़राब है, देखते हैं क्या होगा। इतना देर से मैच देख रही हूँ ना, लाइक 3 घंटा तो हो ही चुका होगा। थोड़ा थोड़ा क्रिकेट समझ में आता था, आज पूरा समझ में आ गया कि कैसा है क्रिकेट, अब से इंटरेस्ट जागने लगा है मेरा।
देखो भाई अभी मुझे इंटरेस्ट जाग गया। बहुत भीड़ है यहाँ पे, गाड़ी बहुत आगे आया हुआ है। किधर